अभी तुमने देखा एलविश यादव का बहुत बड़ा वो इतना, हाँ, तो हरियाणा के सीएम ने क्या किया, उसके साथ स्टेज शेयर किया। इसका कारण तुम्हें समझ में आया? क्योंकि उसके स्टेज के सामने लाखों लोग इकट्ठे थे और वो सब जवान थे। कोई भी 45 साल का, 50 साल का बुजुर्ग आदमी या अधेड़ उम्र का आदमी उसको देखने जाएगा क्या? तुम्हारे किसी के पिताजी को एलविश यादव का देखने का कोई इंटरेस्ट नहीं, ना तुम्हारी माता जी को। जितने लोग पहुंचे वो यंग थे, और हरियाणा के सीएम जानते हैं इस टाइम उनसे सबसे ज्यादा दुखी यंग थे। यंग ही क्राउड था ना सीईटी वाला, पढ़े लिखे लोग सब एंटी हैं, लेकिन उनको पता है कि अब इस टाइम अगर जनता के बीच में जाना है। अब पता क्या होता है, एक एक सभा में ना 20-50 आदमी जोड़ने मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि यंग क्राउड को आप पैसों में भी नहीं खरीद सकते हैं। यंग क्राउड तो मर्जी होगी जाएगा, नहीं मर्जी होगी नहीं जाएगा। एलविश यादव की जीत से ये तो पक्का था कि बहुत बड़ा उसके पीछे क्राउड चलता है, यंग लड़के हैं सारे, तो यंग लोगों को इकट्ठे इतने सारा साथ जोड़ना ये किसी एमपी एमएलए के बस की बात थी नहीं। तो ये होता ना अपना फायदा देख लेना कि भैया वहां इतने लोग इकट्ठे हो, जवान लड़के हैं, तो चलो मैं भी। देखा तुम लोगों ने अपने सीएम को हाथ पकड़ पकड़ के ऊपर, और जैसे हाँ, तो ये जो चीजें हैं इससे तुम अंदाजा लगाओ, पढ़े लिखे लोग हो, ये सब चीजें अब समझनी चाहिए। एलविश यादव के पिताजी का इंटरव्यू भी बड़ा आजकल चल रहा था। उसके पिताजी से पूछा, भाई आप क्या चाहते थे, बेटा क्या करे? तो बोले, मेरी तो पहली इच्छा थी कि सरकारी नौकरी ही करे। यानी सरकारी नौकरी का क्रेज आज भी घरों में, दिमागों में कितना घुसा हुआ है, क्योंकि ये जो फेम है ना, ये जो इस तरह की चीजें हैं, ये पानी का बुलबुला लगती है। जो बड़ी उम्र के लोग हैं उन्हें लगता है तुम 4 दिन चमकोगे, लेकिन ये भविष्य नहीं है। जैसे दुनिया बदल रही है, करियर के ऑप्शंस बदल रहे हैं, पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि राजनीति भी लोगों का फायदा किस तरीके से उठाना जानती है। एलविश यादव ना जीतते तो सीएम साहब को पता भी नहीं था कौन एलविश यादव कहाँ रहता है। उसके जितने भी फॉलोवर्स हैं वो सब यंग क्राउड के लड़के लड़कियां, और उनको इकट्ठे कोई ला नहीं सकता, तो इसका फायदा वहां जाके उठाया। और मैं कल ही देख रही थी उसका एक फोटो और वायरल हो रहा था, जिसमें वो डिप्टी सीएम के साथ भी खड़ा हुआ है, डिप्टी सीएम और उनका भाई। तो ये हाँ, ये राजनीति देखो कैसे कैसे प्रपंच कर सकते हैं, कि जिसके पीछे यंग लोग हैं उनको खींचने के लिए कि एक को ले आओ। तो भैया अब इससे पता चलता है कि ये किस चीज की पावर है सारी, वोट की। हाँ, जिसको भैया वो कह दे तो लोग पागलों की तरह वोट डाल दें, ऐसा सरकारों को लगता है, इसलिए खेल था ये।